गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हमारी कथक की क्लास है तो हम आपको कथक सिखाएंगे। तो कथक में सबसे पहले हम तत्कार बताएंगे, था दुगुन चौगुन। तो था में जो हमारी जो लय होती है तत्कार, जो तत्कार के बोल है तो वो आप सुनिए। तो तत्कार के बोल क्या है, ता थे थे त त आ थे थे त त ता थे थे त त आ थे थे त त ता। ठीक है, ये विलंबित लय में हो गए 16 मात्रा। इसको हम पैरों से कैसे करते हैं इस बोलों को, तो देखिए पैरों की तरफ देखिए, ता थे थे त त आ थे थे त त ता थे थे त त आ थे थे त यही विलंबित लय। इसके बाद में है मध्य लय, जो जिसको दो बार करते हैं। तो किस प्रकार करते हैं, तो पैरों की आवाज देखिए, ता थे थे छत 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 ता। ये मध्य लय हो गए ना। इसके बाद में द्रुत लय, जो चौगुन करते हैं इसको चार बार करेंगे। तो देखिए पैरों की आवाज, ता थे थे छत 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 ता। ये बच्चों मैंने तीनों लय बता दिए। अब इसको करने का तरीका देखिए कि किस तरीके से करते हैं, पैरों का चलन किस तरीके से है। तो देखिए सबसे पहले स्लो गति से समझिए, इसके बाद में धीरे धीरे अपने आप सुन रह जाएंगे, मतलब चौगुन तक। पहले करेंगे सात, तो राइट पैर से लगेगा, ठीक है। फिर छह, तो से लेफ्ट पैर से लगेगा। फिर छह राइट पैर से लगेगा। फिर चार लेफ्ट पैर से लगेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से फिर तत् से शुरू करेंगे, आ राइट लेफ्ट पैर से होगा छे, फिर राइट पैर से होगा, फिर छे लेफ्ट पैर से होगा, फिर तत् राइट पैर से होगा। जिस पैर से ता आएगा उसी पैर से आ की मात्रा आएगी, ठीक है ना। जैसे ता छे छे तत्, अब इससे शुरू करेंगे आ छे छे सर, इस प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे गति बढ़ती जाएगी। यह मैं तत्कार आपको रिधम के साथ करके दिखाऊंगा, तो आप देख लीजिए। विलंबित लय बोल गया, तो इसमें हम विलंबित लय में तत्कार करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे, तो देखिए छे 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 छे